बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अभी 10:30 हो रहे हैं और मैं तकरीबन 9:45 उठ गया था क्योंकि लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी, तो इस वजह से मुझे ना एकदम जाग आ गई क्योंकि हमारे घर मेहमान आए हुए हैं और मेहमान आए हैं तो फिर उन्होंने जाना था ऑफिस, तो उन्होंने लाइट जलाई है, तो लाइट जलाने से मुझे थोड़ा बहुत उससे आँख खुल गई थी, तो मैं उसके बाद उठ गया था। तो उठने के बाद फिर मैं अंदर लेट गया सोफे पे लेटा था। सोफे पे यार बड़ा मुश्किल होता है लेटना क्योंकि एक बंदा ना इधर हो सकता है ना इधर हो सकता है, तो मुझे नींद नहीं आई है। अभी मैं काम पे जाना था तो मैं 9 बजे के बाद मैं नहीं सोया, मैं उठा ही रहा था और अभी मैंने जाना था तो काम पे 11 बजे घर से निकलना था, तो 8 बजे से लेकर अभी हो गया 10:30 बज गए और अभी मैंने बस काम पे निकलना है और कपड़े इस्त्री करने हैं, कपड़े इस्त्री करके नहाना भी है। ठंड हो रही है लेकिन ठंड में ना, और ये कह रही पोइम लगाओ, ठंड हो रही है लेकिन ठंड में भी नहाना जरूरी है भाई, नहाना चाहिए क्योंकि साफ सुथरा रहना चाहिए इंसान को और नहाने से भी वैसे भी अच्छा फील होता है। तो थोड़ा बहुत ठंड लगती है जब बंदा स्टार्ट करता है नहाना, सोचता है तो ठंड लगती है, लेकिन जब बंदा थोड़ा सा नहाने लग जाता है तो फिर ठंड लगना ख़त्म हो जाती है। बस अब टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से मैं कपड़े इस्त्री करता हूँ। ये देखिए मैं कपड़े इस्त्री मैंने स्टार्ट कर दी थी और इस्त्री बल्कि स्लो कर दिया, मैं समझ रहा था भाई शायद ओपन हुई हुई है इस्त्री और मैं व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन इस्त्री जो है ना वो बंद हो गई, मैंने तो स्लो की हुई थी और अब मैं इस्त्री कर रहा हूँ। इस्त्री करके बस मैं नहाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई मैं सोच रहा था कि 10 बजे उठूंगा और बड़ा आराम से मेरे जिस पास इजीली टाइम होगा, मैं कपड़े भी इस्त्री करूँगा, आराम से नाश्ता भी करूँगा, नाश्ता करने के बाद नहा, बल्कि कपड़े इस्त्री करने के बाद नहाऊंगा भी, लेकिन अभी 10:30 हो गए और टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है क्योंकि मैंने 11 बजे निकलना है और आधा घंटा रह गया और 5 मिनट तो व्लॉग बनाने में। और ये अब्दुलरहमान आया हुआ है, अब्दुलरहमान हंस के दिखाओ थोड़ा, कराओ ना, ये अब्दुलरहमान है, अब्दुलरहमान मेरा भांजा है और ये आया है अभी। अब्दुलरहमान अपना पूरा नाम बताओ। सैयद मोहम्मद अब्दुलरहमान। और ये अलीजे भी अपने दांत दिखा रही है और वो देखो वो अब्दुल्ला भाई है और वो पढ़ रहे हैं। भाई अभी मुझे याद है कि रात को मेरा नेट पैकेज खत्म हो गया था, मैंने रात को अपलोडिंग पे वीडियो लगाई हुई थी लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ क्योंकि नेट में मसला आया हुआ था। और अभी मैंने नेट पैकेज भी करवाना है और नेट पैकेज करवाना है, रात से मैंने नेट पैकेज नहीं करवाया था, मैंने कहा यार चलो मेरा गुजारा हो जाएगा, तो गुजारा हो गया था और बैटरी भी लो थी और मैं थोड़ा सा थक भी गया था क्योंकि बारिश में रात को आया था, तो बारिश में गीला भी हो गया था। तो अभी ये मेरा नेट पैकेज भी करवाना है जाते हुए ताकि मेरा नेट चल सके सही तरीके से और मैं वीडियो को अपलोड कर सकूं यूट्यूब पे। अच्छा भाई ठंड भी लग रही है और लेकिन दुआ है कि इंशाल्लाह पानी गर्म ही हो क्योंकि अगर ठंडा पानी हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मोटर चलाई थी हम, सुबह मोटर चलाते हैं, पानी जो है ना वो जो पहले मोटर में पानी होता है वो इस्तेमाल हो जाता है या जो भी होता है, तो हम मोटर चलाते हैं जिससे गर्म पानी आ जाता है, तो अभी मैं पानी चलाऊंगा तो इंशाल्लाह गर्म पानी ही आएगा, तो मैं जा रहा हूँ नहाने, अभी नहा के बाद आपको बताता हूँ कि ठंडा पानी होता है या गर्म पानी होता है। अभी मैंने नहा लिया और शीशा देखे बिल्कुल धुंधला हो चुका है पानी के, जब वो पानी का धुआं उगड़ उठता है ना तो इधर फोग आ गया इसके ऊपर, शीशे के ऊपर बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं नहा के आ गया हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पानी बिल्कुल ठंडा नहीं था, गर्म पानी था एक तरह का, और इजीली मैंने नहा लिया और ठंड थी बहुत ज़्यादा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल नहीं आई है इतनी भी नहाने में, इजीली नहा लिया और आज बारिश भी नहीं हो रही है, कल बारिश हो रही थी आज बारिश नहीं हो रही है, आज सुकून से इंशाल्लाह जाएंगे। कल जब बारिश हुई थी ना तो कीचड़ खड़ा होता लेकिन पानी अभी भी शायद खड़ा हो क्योंकि कल रात को बारिश होती हुई है थोड़ी सी, कल रात को हुई है कि नहीं हुई, रात को ही थी, हाँ रात को हुई है बारिश, तो देखते हैं अभी बाहर थोड़ा बहुत पानी खड़ा होगा लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी बारिश नहीं हो रही है तो हम इजीली चले जाएंगे। कल वहाँ पे आ रहे थे काम पे लोग तो वो गीले हुए थे सारे, पैंटे गीली हैं, किसी की जैकेट उतार देते थे लेकिन पैंट तो गीली रहती थी ना, तो बड़ा मसला होता था। चलो ठीक है, तो अभी भाई काम पे जाने से पहले नाश्ता करना ज़रूरी है, तो अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ और नाश्ते में है मेरा आमलेट और साथ पराठा और साथ चाय और साथ ये मेरे भांजे हैं 1 2, ये है अब्दुलरहमान, ये है उमर, ये है अली हमजा और ये है अलीजे और ये है सजाद हैदर। तो मैंने क्या कहा था, सॉरी ये है स्नेह हैदर। तो अभी बस टाइम वेस्ट किए बगैर नाश्ता करते हैं, मैंने डबल रोटी वैसे मैं खाता हूँ ना, डबल रोटी और अंडा, तो आज टाइम है मेरे पास इसलिए मैं आज पराठा और आमलेट खाऊंगा।
तो बस नाश्ते के बाद फिर निकलना काम के लिए। मानो बिल्ली बना हुआ छोटा सा काका। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए 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 खुश हो रहा है, बच्चे नजर आ रहे हैं इसको, सारे नाश्ता कर रहे हैं। यार मैं घर से निकला हूँ तो मैंने देखा, मुझे याद ही नहीं रहा था कि रात को बाइक जो है ना वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, चल नहीं रही थी बाइक। तो पूरे टाइम पे घर से निकला हूँ बाहर, और बाहर निकल के मैंने देखा बाइक, तो बाइक को स्टार्ट किया, बाइक चल ही नहीं रही थी, रेस ही नहीं उठा रही थी। अभी मैं बाइक वाली शॉप पे आया हूँ और बाइक भाई को दिखा रहा हूँ, तो बस जल्दी से हो जाएगी इंशाल्लाह, तो 5 मिनट लगेंगे फिर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा टाइम पे, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 40 मिनट पड़े हुए हैं। बिना भाईजान चेक कर रहे हैं कि क्या मसला आया इसके अंदर। अच्छा भाई अभी बाइक स्टार्ट हो गई है, भाई कह रहे हैं कि प्लग का मसला नहीं था इसके अंदर यार, वो पानी चला गया था उसके अंदर ना कार्बोरेटर के अंदर, तो भाई ने कहा कि मैं चेक करता हूँ, उन्होंने खोला उसको, भाई पैसे नहीं ले रहे थे बिल्कुल भी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उन्हें कहा यार ले लो, लेकिन फिर भी भाई नहीं ले रहे थे। तो अभी स्टार्ट हो गई है बाइक, उसका पानी चला गया था प्लग उसके अंदर कार्बोरेटर के अंदर, इस वजह से नहीं स्टार्ट हो रही थी। अभी स्टार्ट हो गया तो बस निकलते हैं, थोड़ा ही टाइम रह गया, वहाँ पर पहुँचना है जल्दी से, तो निकलते हैं यहाँ से। लो जी अब भाग रही है बाइक, अब सही भाग रही है बाइक, सही कर दिया भाई ने, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है बाइक, और 22 मिनट रह गए हैं, 22 नहीं 32 मिनट रह गए हैं, तो इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा आधे घंटे में इंशाल्लाह। ये हमारे और की सड़क है भाई जान, अपनी गली की, ये हमारा हमारे एरिए मतलब के मेरे घर के पास की सड़क है। ओ ये क्या यार, शॉप तो पहले खुली हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप किधर? सर मैंने तो आना था यार, मुझे आसिफ ने कहा था आज आप उधर आओ, कल किधर तो ये मतलब कि कल जो गुजर गया, यासिफ ने कहा था आपने उधर आना है और अगले दिन फिर फोटो जाना है आप, क्योंकि कल मैंने यहाँ आना था ना फोटो, तो यासिफ ने कहा था उधर आ जाओ पैकेजेस, तो अगले दिन यहाँ पे आना। यार अभी तो छुट्टियाँ चल रही थी हमारी चार चार, आपने तो की नहीं कोई छुट्टी। अच्छा चलो कोई भाई, मॉल में ना मास्क की बहुत ज़्यादा पाबंदी हो गई है, और मैंने भी इसलिए मास्क लगाया हुआ है, तो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने पूरे 12 बजे वहाँ पे पहुँचना है, अगर ना पहुँचा तो शॉप को ना सील लगा देते हैं। तो वहाँ से मैं जब निकला था तो बाइक का मुझे नहीं पता था कि यार रात को ही ख़राब थी, तो सुबह मैं जब उठा हूँ तो मैंने देखा है तो बाइक, मुझे फिर याद आया कि यार रात को बाइक ख़राब ही मैं खड़ी हुई छोड़ के गया था, क्योंकि रात के 12 बज गए थे, और सुबह जब मैं निकला हूँ वहाँ से तो बाइक ख़राब थी, और 11:28 का टाइम था जब बाइक सही हो गई थी और जब मैं वहाँ से निकल गया था, और यहाँ पे जब मैं पहुँचूँ 11:05 हो गए थे, मुझे लग रहा था कि सील लगा दी होगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचूँ ना तो मैं मूड पे पहले ही यहाँ पे आए हुए थे। हमारा ना मिस कोइंसिडेंस हो गया, मतलब कि तो क्या कहते हैं वो हो जाता ना कन्फ्यूजन, नहीं वो हो गया यार, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो हम दोनों आ गए एक जगह पर, तो कोई बात नहीं, दोनों से मुलाकात हो गई, फर्स्ट टाइम मुलाकात होगी, और उससे पहले मैं मूड पे गए थे शाल में गए थे सुबह सुबह उठ के सर्दी में, मुझे तो नहीं बहुत मुश्किल लगता है यार सुबह सुबह उठ के जाना कहीं, तो महमूद पे गए थे सुबह सुबह उठ के, और ये लेके आए हैं, दिखाना जरा मूवी। ये कौन से क्यूब है? ये पैरामिक्स क्यूब है, 2x2। ये 2x2, ये तो बड़ा ईजी लग रहा था मुझे बनाना, लेकिन जब मैंने बनाना महमूद पे कहते हैं हाँ ईजी है तो बनाओ, मैंने जब बनाना स्टार्ट किया तो बड़ा डिफिकल्ट हुआ, मैंने ये बनाया सिर्फ एक कलर मेरे से हो पाया था, अभी मैंने जब किया तो बाकी नहीं होगा। और ये है पैरामैक्स क्यूब, हाँ और ये पैरामैक्स क्यूब है, ये महमूद भाई ने अभी बनाया नहीं है, अभी ये लेके आए हैं फ्रेश है ये, बाकी तो उन्होंने बना दिए, देख लीजिए बना हुआ है, और ये वाला भी बना हुआ है, ये 5-5 का है, वो 4-4 का है, और ये 2 का भी लेके आए हैं, और ये एक पैरामैक्स। तो अभी ये पैरामैक्स आपने बनाना स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया, मतलब कि बना लेंगे ये वाला बना लेंगे। हाँ ये बनाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं इसको करूँगा ट्राई, इसको पहले मैंने कलरिंग देखी कैसे कैसे बनी हुई है, ठीक है।
कहाँ कहाँ क्या है फिर उसको देख के फिर उसके बाद या फिर बनाएंगे ना आपको बनाना सीख लेंगे उसके बाद दिखाएंगे उसके बाद फिर उसके बाद इसका अच्छा। तो भाई अभी मैं वहाँ से काम से बाहर आ गया हूँ क्योंकि मैंने कल की थी फुल ड्यूटी। तो अभी महमूद भी आ गए हैं, महमूद भी बल्कि सुबह ही आ गए थे, तो उन्होंने कहा यार कि आप अभी चले जाओ, तो क्योंकि आपने कल फुल ड्यूटी की है। तो अभी यार मैं बाहर निकलूँ तो बारिश हो रही है हल्की हल्की और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और बहुत यार मज़ेदार मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मोबाइल भी गीला हो रहा है यार, मोबाइल का कैमरा ना ख़राब हो जाए, मोबाइल भी ना ख़राब हो जाए बारिश में। तो अभी मैं बस घर के लिए निकल रहा हूँ, बस बाइक निकालनी है और बाइक निकाल के बस घर की तरफ जाऊँगा क्योंकि बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। अच्छा तो भाई इससे पहले ना काफ़ी लंबी बातें हुई थी महमूद भाई से ना, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम बातें कर रहे थे। एक तो क्यूब्स के बारे में बातें कर रहे थे, क्यूब्स के बारे में उन्होंने ना 3-4 क्यूब्स बना लिए हुए हैं, तो बनाना आता है उन्होंने 15 मिनट में बना लेते हैं सब क्यूब्स। तो उनसे मैं पूछा था यार ये कैसे किया, उन्होंने कहा यार मैंने इसका नॉलेज हासिल किया और इसके बाद प्रैक्टिस की है। नॉलेज हासिल करने से अब आम बंदा करेगा ना, आम बंदे से नहीं होगा, वो काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर भी नहीं होगा। तो उन्होंने नॉलेज पहले इसका हासिल किया, नॉलेज का हासिल करने के बाद इसको किया। और इसके अलावा हमारी डिस्कशन हो रही थी कि यार वो कह रहे थे कि अब एक मशीन, लेकिन वो इस्लाम में जायज़ नहीं है कि मतलब कि फ्यूचर में जाना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान को नहीं फ्यूचर में नहीं जा सकता। इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी, साइंसदानों ने तजर्बा किया था वो नाकाम हो गया, तो इस बारे में डिस्कशन हो रही थी। और बस साइंस और जदीद और शालमी गए हुए थे सुबह, शालमी अगर बंदा जाए ना तो वहाँ पे शॉप्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो वो उस बारे में बात हो रही थी कि यार के शॉप्स के गली के आगे ना शॉप्स की नंबर होना चाहिए या शॉप्स का नाम लिखा होना चाहिए ताकि बंदा इजीली शॉप्स तक पहुँच सके। साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली है ना, तो अब ये हर चीज़ आसान हो गई है इंसान के लिए, पहले वाला दौर नहीं रहा। अभी हल्की हल्की हो रही है, इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी आज तो। और ये सारा छुप गया बादलों के बीच, सूरज क्या करूं ओए क्या हुआ मामू खोलो वहां से क्या खोलो उधर बंद करो वीडियो वीडियो तो क्या मामा देखे मेरी वीडियो बनाई जा रहे हैं मैं अभी ऊपर से आया हूँ तो मेरी भांजी ने मेरे लिए जगह छोड़ी है, ये देखो कुर्सी से उठ गई थी अच्छा भाई फाइनली मैं अभी घर आ गया हूँ और घर आके मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद अभी मैं चाय पीने लगा हूँ। ठंड क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है और ठंडे मौसम में चाय पीना अच्छी बात होती है और मज़ा भी आता है चाय पीने का, और ठंड हो और चाय ना हो तो ये नहीं हो सकता। और अभी चाय पीने लगा हूँ और इसके अलावा यार अभी और इसके अलावा अभी ना मैंने एडिटिंग करनी है, कल की वीडियो पोस्ट करनी थी, पोस्ट की हुई है, नेट मेरा बड़ा स्लो चल रहा था तो मैंने पोस्टिंग में लगा के रख दिया था, लेकिन अभी तक वो पोस्ट नहीं हुई है क्योंकि मेरा कल रात को पैकेज भी नेट का ख़त्म हो गया था और कल आते हुए बारिश हो रही थी और नेट का पैकेज मैं करवा नहीं सका। मैंने आज मैं गया था, मैंने करवाना था नेट का पैकेज, लेकिन मैं डायरेक्ट वहाँ पे काम पे चला गया क्योंकि लेट में हो रहा था। तो अभी मैंने नेट का पैकेज भी करवाना है और नेट का पैकेज करवाने के बाद मैंने वीडियो कल वाली जो पोस्ट करनी थी वो पोस्ट करनी है और इसके अलावा अभी एडिटिंग करनी है क्योंकि यार टाइम नहीं मिला क्योंकि जॉब भी साथ करनी होती है और साथ साथ व्लॉग भी बनाना होता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, बस वीडियो को यहीं पे मैं यार एंड कर दूँगा और उसके बाद मैंने वीडियो एडिट करनी है। अभी तो चाय पीऊँगा, चाय पीने के बाद वीडियो एडिट करूँगा और वीडियो एडिट करके पोस्ट करूँगा, तो फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,
बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। गाइस ये मेरा भांजा है अली हमजा, इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसके लिए भी दुआ करें। और ये अभी उठ के बैठ गया माशाल्लाह। और अली हमजा सर्दी थी ना बेसिकली, तो अभी माशाल्लाह अभी चाय खाना नाश्ता करने लगा है। नाश्ता कर रहे हो ना? तो अली हमजा अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे आप, लाइक करें? तो अली हमजा अभी क्या खाने लगा है? सुपर बिस्किट और चाय और खा लगे हो अब्दुल मैम? अभी इसकी तबीयत बहुत खराब है, इससे बोला भी नहीं जा रहा। तेरे दुखी गाने क्यों सुन रही हो? और ये भी साथ खेल रहा है, बच्चों की पार्टी चल रही है भाई।